नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24 आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। उन्नाव जनपद की पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार देर रात बदमाशों ने मुठभेड़ में दरोगा को लगी गोली। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीट धनराज लोध भी घायल हो गया है। एसओजी टीम को हिस्ट्री शीट धनराज के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के गरबा चंडीगढ़ी नहर पुल से गुजरने की सूचना मुखबर से मिली थी। एसओजी की सूचना पर पूर्वा कोतवाली के दरोगा प्रदीप सिंह ने बाइक सवार बदमाश को पीछा करना शुरू किया। पुलिस देखकर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदमाशों की एक गोली प्रदीप के दाहिने कंधे में जा दसी। प्रदीप खून से लथपथ होकर गिर पड़े। इसके बाद भी उन्होंने बदमाशों पर गोलियां चलाई। उनकी एक गोली धनराज के पैर में लग गई। धनराज के गिरते ही बाइक चला रहा उसका साथी भाग निकला। कुछ देर में एसओजी टीम व पूर्वा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और धनराज लोध को पकड़ लिया। अब दरोगा और हिस्ट्री शीटर दोनों जिला अस्पताल में पहुंच गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। हिस्ट्री शीटर धनराज को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस घायल दरोगा और उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले पहुंची। जिला अस्पताल में एक साथ दोनों का इलाज शुरू किया गया है। मुठभेड़ स्थल की घेराबंदी के साथ आसपास थानों को अलर्ट कर पुलिस ने धनराज के साथी की खोज शुरू कर दी है। धनराज पर मोरवा कोतवाली व अन्य थानों में लूट व हत्या के प्रयास के कई मामले चल रहे हैं। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी है। पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी।